बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल टिप्स की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक 3D एनिमेटेड कार्टून्स वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देख सके। साथ में बेल आइकन अपीयर होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू मेक एनिमेटेड वीडियो बाय वीडियो सब्सक्राइब, मगर इसकी शुरू में जो मैंने वीडियो लगाई थी उसमें ये एक कार्टून सा आ रहा है और वो बोल रहा होता है, सुनिए आप जरा। और व्यूअर्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि वीडियो सब्सक्राइब से हम एनिमेटेड वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाई थी। तो ये काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप वीडियो सब्सक्राइब से ऐसी बनती नहीं है, ये आपने किस तरह शुरू में इसके लगा दी है। तो ये एनिमेटेड वीडियोस का टॉपिक था इसलिए मैंने इस पर ये वाली लगा दी थी। एक और भी वीडियो थी उसमें भी मैंने ये कार्टून यूज़ किए थे एक और लुक में। तो काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट आ गई कि आप हमें बता सकें, आप ये हमें बता दें कि किस तरह करते हैं। तो मैंने कहा चलें आपको बता देता हूँ, आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं, ये हाउ टू मेक एनिमेटेड वीडियो, ये मेरी ये इधर पड़ी है ये। तो ये चलें सबसे पहले हम अपने मोबाइल पे आ जाते हैं और आप आज आपको चेक कराते हैं कि हमने वो कैसे एनिमेटेड वीडियो अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे, वो हमने कार्टून 3D कार्टून वीडियो क्रिएट की थी, कंप्यूटर पे नहीं क्रिएट की थी। मोबाइल तो हर किसी के पास होता है इसलिए आपकी तो मौजें ही लग गई हैं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में आ जाना है। पहले हम प्ले स्टोर में जाके चेक कर लेते हैं ये एप्लीकेशन है, तो आप डायरेक्ट इसको प्ले स्टोर से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लें। यार यहाँ से मैंने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। तो यार यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है टीला गैमी, TLLGAMI। ये आप लिख के एंटर करेंगे तो ये आई थिंक इधर अपीयर हो जाएगी हमारे पास एप्लीकेशन। तो ये गूगल प्ले स्टोर में सॉरी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से आप सिंपली अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लें। मैं तो ज़्यादातर प्ले स्टोर से चीज़ें नहीं करता इसलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो मैंने कहा अगर हो जाती है तो आपकी चलें हेल्प हो जाएगी। यहाँ से आप अपने ब्राउज़र में जाके गूगल टाइप करें। गूगल टाइप करेंगे आप तो ये देखें मेरे पास गूगल अपीयर हो चुका है। यहाँ पे आपने लिखना है टीला गैमी, टीला गैमी लिख के आप एंटर करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले एक वेबसाइट अपीयर होगी, टीला गैमी APK डाउनलोड फ्री एंटरटेनमेंट ऐप फॉर एंड्रॉयड, यहाँ पे m.apkpure.com इन किस वेबसाइट से आप कर लें। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है इनकी APK फाइल, यहाँ से आप क्लिक करके इस वेबसाइट को खोलें। यहाँ से मैंने क्लिक किया इस पर, ये देखें मेरे पास ये apkpure.com की वेबसाइट खुल रही है। ये देखें होम एंटरटेनमेंट और टीला गैमी का लोगो इस तरह का है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं टीला गैमी का लोगो। तो ये आप इसके नीचे देख सकते हैं, ये देखें कार्टून यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं। और ये नीचे आप ज़रा गौर करें तो ये देखें कैटेगरी फ्री एंटरटेनमेंट ऐप और उसके बाद पब्लिश डेट वगैरह इसकी यहाँ पर लिखी हुई है और लेटेस्ट वर्जन 1.2.5 है और उसके बाद गूगल प्ले में भी ये है, पता नहीं हमें क्यों नहीं मिल रहा था, एंड्रॉयड 4.1 है। फिलहाल आप इसको अपने ब्राउजर से ही ओपन कर ले। तो यहाँ पे देखें नीचे लिखा है डाउनलोड APK 31.8 MB, तो आपने इस पर क्लिक करना है डाउनलोड APK 31.8 MB। तो ये यहाँ पे लिखा गया डाउनलोडिंग टीला गैमी v1.2.5 apkpure.com 31.8 MB। तो भी यार यहाँ से आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से हमें कुछ वेट करना पड़ेगा। तो भी यार ये आप देख सकते हैं नीचे अपीयर हो चुका है, डू यू वांट टू डाउनलोड टीला गैमी फ्रॉम APKpure अगेन, तो मैंने पहले कर चुकी है। तो यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। मैं क्लिक करके चेक करा देता हूँ, फिर काफ़ी दोस्त होते हैं वो कहते हैं डाउनलोड नहीं होती। ये देखें मेरी ऊपर डाउनलोडिंग होने शुरू हो गई है, ये देखें टीला गैमी ये सेकंड नंबर 4% काफ़ी तेज़ी से मेरी हो रही है, ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैं इसको
क्रॉस ही कर देता हूँ, अब इसने होना नहीं है क्रॉस। तो यार चलें आप अपनी एप्लीकेशन की तरफ आते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो यार यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल मैंने कर रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यार ये देखें, ये मेरी एप्लीकेशन ये सबसे टॉप पे पड़ी है, थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे। ये यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें आपका मोबाइल बिल्कुल उल्टा सा हो जाएगा जो ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो यार यहाँ पे लिखा आ जाएगा रेड तिलक एमी, यहाँ से आपने रिमाइंड मी लेटर को कर देना है। ये देखें आपके पास तिलक एमी का ये इस तरह का लोगो अपीयर हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मोबाइल को। तो यार यहाँ पे आपके सामने अपीयर हो जाएगा क्रिएट या हाउ टू, आपने यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो यार जो ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बंदा सा अपीयर हो जाएगा। तो ये यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन को एग्जिट कर देता हूँ। तो ये देखें आपके सामने ये एक बंदा सा अपीयर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें शुरू में बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे ये देखें मैसेज का भी बटन है। यहाँ से मैं तो यार सबसे पहले जो ऑप्शन इधर अपीयर हो रहा है उसके रिसेट का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें डू यू वांट टू स्टार्ट आवर, अगर आपने पहले कोई रिकॉर्डिंग की हुई है तो यहाँ से स्टार्ट आवर को यस कर दें। ये देखें जो ये रिसेट मोड में आपके सामने अपीयर होगा, आपके सामने एक कार्टून सी लड़की अपीयर हो जाएगी। तो यार उसके बाद सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है करेक्टर का है, करेक्टर के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। तो ये देखें इधर यहाँ से हम करेक्टर के ऑप्शन को दोबारा क्लिक करते हैं। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कस्टमाइज योर करेक्टर। यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे जेंडर लिखा है, जेंडर पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मेल और फीमेल दोनों में से अभी ये देखें हमारे पास अभी एक बंदा अपीयर हो गया है, तो हमने ये बंदा ही लेना है। आपने जो भी लेना है आपकी अपनी मर्जी। उसके बाद सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसके बाद उस पर लिखा है स्किन टोन, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारी स्किन ब्राउन है वगैरह वगैरह, स्किन का कलर ये देखें आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आप अपना स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये जो इस सब ऑप्शन में थर्ड नंबर का ऑप्शन है आई का, आई पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आंखों के कलर, यहाँ से आप अगर मैं ब्राउन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ब्राउन हो गया है। उसके बाद इस ग्रे से पे क्लिक करता हूँ तो ये हो गया है, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है उसके बाद हेड का है, हेड को करेंगे तो बड़ा सा सर पियर होगा, उसके बाद दोबारा करेंगे छोटा, उसके बाद बहुत बड़ा पियर हो गया, यहाँ से हम नॉर्मल को कर लेंगे। उसके बाद लास्ट आप ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा हेयर का, हेयर को करेंगे जो भी, यहाँ से आप अपना कलर सेलेक्ट करना चाहें, कलर आप इन कलर को करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगला ऑप्शन है टॉप का, टॉप मतलब ये शर्ट का कलर मेरे ख्याल से, ये देखें कोट हमारा चेंज हो गया, यहाँ से हमने इसको किया। उसके बाद इसको करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, उसके बाद लास्ट वन को करेंगे तो हमारे पास ये ब्राउन कोट आ जाएगा। उसके बाद अगला पेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम अगर इसको ये वाला फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये हो गई है, उसके बाद ये हम लास्ट करते हैं तो ब्राउन हो गई है। उसके बाद आखिरी ऑप्शन ये जो नीचे नज़र आ रहा है आपको शूज़ का है, शूज़ ये देखें हमारे पास फिलहाल इतने नहीं है, तो यहाँ से हम लास्ट ऑप्शन ब्राउन जो है ब्राउन पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास शूज़ ब्राउन हो गए हैं। तो यार उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये तीन बोने से बने हुए हैं, इन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इमोशंस है। तो यहाँ से फर्स्ट वन हैप्पी है, उसके बाद सैड है, उसके बाद सरप्राइज है, उसके बाद एंग्री है, उसके बाद स्क्रेम है। यहाँ से मैं फर्स्ट वन हैप्पी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने जो भी इनमें से इसका फेस सेलेक्ट करना है। ये देखें हमारा बंदा खुश सा हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड पे बैकग्राउंड का है, बैकग्राउंड पे आप आएंगे तो यहाँ पे कैमरे से बैकग्राउंड ले सकते हैं, लाइब्रेरी से ले सकते हैं। उसके बाद डूडल, डूडल का मतलब है आप खुद इधर कुछ ये इस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इरेजर लेके वापस कर देता हूँ, मिटा देता हूँ ये। तो ये आप ये नीचे देख सकते हैं, ये आपको एक नीचे बैकग्राउंड का एक और ऑप्शन अपीयर हो रहा है, इस पर लिखा हुआ है फ्री, यहाँ से फ्री बैकग्राउंड आप हासिल कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल ये लोड हो रहे हैं।
तो ये देखिए हमारे पास ये लोड हो चुके हैं। यहाँ से आप सेकंड नंबर को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये अपीयर हो जाएगी। थर्ड नंबर को करेंगे तो ये देखिए कंप्यूटर वाला जो मैंने लगाया था वो अपीयर हो जाएगा। तो उसके बाद ये नीचे वाले को करके आप जो सा बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर और कर सकते हैं। बहुत बेहद अच्छा बैकग्राउंड है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, यहाँ से आप रोड ट्रिम ये जो नीचे बना हुआ है इसको क्लिक करेंगे, ये भी आपके पास लोड होके ये रोड वगैरह आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने पीछे रोड ला सकते हैं ये देखें। तो उसके नीचे आखिरी जो ऑप्शन है वो शेयर का ऑप्शन है। तो ये सब आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू और सेव वगैरह लिखा है, हमने अभी तक कुछ टाइप ही नहीं किया। तो आप सबसे पहले करेक्टर पे दोबारा आ जाएंगे। यहाँ से सबसे ऊपर आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो ये सबसे ऊपर बैक का ऑप्शन है। यहाँ से आप बैक के ऑप्शन को करेंगे तो यहाँ पे मैसेज का बटन है और ऊपर प्रीव्यू, ये देखें ये मैसेज का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है। उसके बाद ये देखें वॉइस का ऑप्शन है, यहाँ से रिकॉर्ड का टेक्स्ट का, टेक्स्ट इसका फिलहाल ये पेड है। यहाँ से रिकॉर्ड को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से रिकॉर्ड को करता हूँ। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका हॉस्ट जवाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो व्यूअर्स यहाँ से मैं स्टॉप को भी क्लिक कर देता हूँ, ये हमें हमारी एनालाइज करेगा वॉइस। तो व्यूअर्स ये हमारी वॉइस एनालाइज कर लेता है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो व्यूअर्स आप जो देख सकते हैं हमारे पास ये इसने हमारी रिकॉर्ड वॉइस कर ली है। तो ये देखें हमारे पास प्रीव्यू हो रही है, तो यहाँ से मैं स्टॉप प्रीव्यू को करूँगा तो ये दोबारा मैं प्रीव्यू करके आपको चेक करा देता हूँ कि हमारी वॉइस किस तरह अपीयर हो रही है। तो ये देखें इसने हमारी एनालाइज कर ली है। एनालाइज में आपके पास थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। यहाँ से प्रीव्यू पर मैं क्लिक करूँगा तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं तो इसने हमारी वॉइस एनालाइज कर ली है। तो उसके बाद आखिरी जो तरीका रह गया है कि हमने अपनी वीडियो को सेव कैसे करना है, सबसे लास्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है शेयर का, आप इस पर अगर क्लिक कर देंगे आप अपनी वॉइस यहाँ से रिकॉर्ड कर देखें। अब सेव का ऑप्शन पहले नहीं अपीयर हो रहा था, अब ये देखें यहाँ पे सेव का ऑप्शन अपीयर हो गया। यहाँ से आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लिखा गया क्रिएटिंग योर गेमिंग। तो यार ये आपके पास थोड़ा क्रिएट होने में टाइम लगा सकता है, ये आपकी डायरेक्टली गैलरी में सेव हो जाएगा। तो व्यूअर्स मैं आपको थोड़ा आगे से दिखा, तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये क्रिएट हो चुका है, मैंने वो वीडियो पॉज कर दी थी। तो यहाँ से अब मैं आपको ये देखें हमारे पास हो चुका है, यहाँ से मैं आपको अपनी गैलरी में जाके चेक करा देता हूँ। तो व्यूअर्स मैंने वीडियो इसलिए पॉज कर दी ताकि आपका टाइम बच जाए, आपका टाइम ना जया हो। यहाँ से मैं अपने मोबाइल की गैलरी में आ जाता हूँ, वहाँ से आपको डायरेक्ट एक्सेस करा के चेक करा देता हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें मैं गैलरी में, यहाँ से ओपन मैंने कर लिया गैलरी। तो ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टीला गेमी की एक वीडियो आ गई, यहाँ से ये देखें मैं इसको प्ले कर लूँगा। ये देखें यहाँ से मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि आप कार्टूनों वाली वीडियो बनाने के काबिल हो गए हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सिर्फ आपके लिए ही अपलोड करता रहता हूँ। और आप फिर भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके थैंक्स, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।